नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। लाहौल में -15 डिग्री तापमान में भी नहीं जमेगा पानी, पहली बार एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना मंजूर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में लोगों को सर्दियों में बर्फ को पिघलाकर पेयजल के लिए इस्तेमाल करने से जल्द छुटकारा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में पहली बार एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 13.19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे घाटी में -15 डिग्री तापमान में भी पाइपों में पीने का पानी नहीं जमेगा। परियोजना के लिए 3 परत वाले पानी के पाइप इस्तेमाल होंगे। यही नहीं, जल उपचार संयंत्र को भी गर्म रखने की व्यवस्था की जाएगी। शिमला और दिल्ली के बीच एचआरटीसी की 6ठी वोल्वो शुरू। कोरोना बंदिशें हटने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एचआरटीसी ने शिमला दिल्ली के बीच एक और वोल्वो सेवा शुरू कर दी है। शिमला और दिल्ली के बीच चलने वाली यह एचआरटीसी की 6ठी वोल्वो बस है। शिमला से वोल्वो रात 10:30 पर रवाना होगी और सुबह 6:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। शिक्षा मंत्री के दीप कमल में बैठते ही तबादले करवाने पहुंचे लोग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीप कमल में बैठते ही तबादले करवाने वाले लोगों की भरमार लग गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने 38 समस्याओं की सुनवाई की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों के मुद्दों को शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया। शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मौके से फोन पर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। जियो आईटी को हायर ग्रेड पे का इंतजार। परिवहन विभाग में जियो आईटी के पद पर तैनात 10 कर्मचारियों को सरकार से हायर ग्रेड पे मिलने का इंतजार है। इन कर्मचारियों को नियमित हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन इन्हें अभी तक हायर ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण इन कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में इनकी मांग है कि क्लर्क की तरह हायर ग्रेड पे दिया जाए। परिवहन विभाग में जियो आईटी के पद पर तैनात देवेंद्र अत्री, मनोज और पवन का कहना है कि परिवहन विभाग में 10 लोग जियो आईटी के पद पर कार्यरत हैं। 12 साल की बच्ची के साथ कोच ने की अश्लील हरकतें, नाबालिग सहमी। हिमाचल में गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया। सोलन में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने कोच पर अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए हैं। बच्ची काफी सहमी हुई है। बच्ची ने इस हरकत की सूचना अपने परिवार को दी। सूत्रों के अनुसार बच्ची के चाचा सोलन पहुंच गए हैं। वो बच्ची ने अपने चाचा को बताया कि कोच उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। चाचा ने सोलन महिला थाना में सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उधर कोच चाचा के पहुंचने की सूचना से मौके से भाग गया है। इसकी पुष्टि एएसपी अशोक वर्मा ने की है। नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन के बाद कांग्रेस करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल में आगामी विधानसभा और नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में मंथन किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने पर भी चर्चा की गई। शिमला निगम के चुनाव मई में प्रस्तावित हैं। डॉक्टरों के आगे झुकी सरकार, 18 फरवरी को वार्तालाप के लिए बुलाया। डॉक्टरों द्वारा दी गई चेतावनी के बाद अब सरकार ने डॉक्टरों को 18 फरवरी को वार्तालाप के लिए बुलाया है। सरकार ने डॉक्टरों को यह आदेश जारी किए हैं कि मांगों को लेकर पहले बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। उधर डॉक्टरों का कहना है कि वे वार्तालाप सरकार के साथ जरूर करेंगे, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश भर में आज 2 घंटे की डॉक्टरों की पैन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर संघ के सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार को शीघ्र डॉक्टरों की मांगों को मानना पड़ेगा, वरना आंदोलन रुकेगा नहीं बल्कि तेज किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, चीन से सटी सीमा के गाँव होंगे विकसित, हिमाचल में बनेगी 6 पुलिस चेक पोस्ट।
चीन सीमा से सटे उत्तरी भारत के करीब 100 गांव में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आधुनिक स्कूल खुलेंगे। सीमा के साथ लगते जिलों और इन गांव में सड़कें चकाचक होंगी, जबकि बिजली और पानी की भी कोई किल्लत नहीं रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे लाहौल स्पीति के समदो, सरचू और किन्नौर के छितकुल और साथ लगते क्षेत्रों में 6 पुलिस चेक पोस्टें स्थापित की जाएंगी। पेंशन की आर पार की लड़ाई, एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब कर्मचारी आर या पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने तैयारी शुरू कर दी है। 23 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र शुरू होते ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ की मंडी से पद यात्रा 23 फरवरी से शुरू की जाएगी। वहीं बिलासपुर, शिमला और सोलन होते हुए ये पद यात्रा 3 मार्च को मुख्यमंत्री के बजट पेश करने से एक दिन शिमला में विशाल प्रदर्शन करेंगे। वहीं शिमला में बुधवार को एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। एचपीयू पीजीटी भर्ती परीक्षा का परिणाम मालूम नहीं, दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में पीजीटी के 6 पदों के लिए 11 जनवरी को हुई भर्ती परीक्षा के बाद एचपीयू ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के लिए बुला लिया है। गुरुवार से कुलपति कार्यालय के कमेटी रूम में दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा की ओर से कुल सचिव के हस्ताक्षर के साथ जारी को लेटर में हर पद के लिए तिथि और समय अंकित किया गया है। 40,000 आउटसोर्स कर्मियों के लिए मांगी स्थायी नीति, बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। शिमला के राम मंदिर हॉल में बुधवार को प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि जुटे और समस्याओं पर मंथन किया। राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि अन्य कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को तय समय के भीतर स्थायी किया जाए। उन्होंने कहा कि ठोस नीति नहीं बनाई गई तो सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता बनाया जाएगा। आज से स्कूलों में लौटेगी रौनक, पहली से 12वीं कक्षा की लगेंगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आज से दोबारा रौनक लौट आएगी। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 17 फरवरी यानी आज से स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय एसओपी के तहत हर स्कूल में माइक्रो प्लान बनाया गया है। स्कूलों में फेस मास्क पहना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर पूर्व की तरह रोक रहेगी। पे स्केल फिक्सेशन से स्टाफ नर्सेस हुई नाराज, समाधान न मिलने पर किया जाएगा प्रदर्शन। पे स्केल फिक्सेशन से हिमाचल प्रदेश की स्टाफ नर्सेस नाराज है। स्टाफ नर्सेस का कहना है कि पंजाब की तर्ज पर सरकार ने पे स्केल फिक्स तो किया है, लेकिन स्टाफ नर्सेस का लेवल अपग्रेड करने के बजाय कम किया गया है। पहले जहां स्टाफ नर्सेस का लेवल 14 था तो वहीं अब यह घटकर 9 कर दिया गया है। ग्रेड पे 4,000 से घटाकर 3,200 फिक्स कर दिया गया है। स्टाफ नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुणा लूथरा का कहना है कि कोरोना काल के समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्टाफ नर्सेस के लिए 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा तो की है, लेकिन वह राशि आज तक स्टाफ नर्सेस को नहीं मिल पाई है। तो ये थे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।